नमस्कार, आप देख रहे हैं Arrive24TV। Arrive24TV में आपका स्वागत है। मैं हूं सारा खान। भारत और ब्राजील की सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर दी गई वैज्ञानिकों की सलाह नहीं मानी, इसलिए यहां पर कोरोना की दूसरी लहर भयावह हो गई। अगर वैज्ञानिकों की सलाह मानी गई होती तो कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर को नियंत्रित करना आसान होता। प्रसिद्ध साइंस जर्नल नेचर में रिपोर्ट आई है कि भारत और ब्राजील की सरकार ने साइंटिस्ट की सलाह न मानकर कोरोना नियंत्रण का अच्छा मौका खो दिया। पिछले हफ्ते भारत में COVID-19 की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हुए, वहीं 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े इतने भयावह थे कि दुनिया भर में भारत की मदद के लिए कई देश आगे आए। उन्होंने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और ICU बेड व अन्य जरूरी वस्तुओं की सलाह दी। नेचर जर्नल के मुताबिक भारत और ब्राजील करीब 15,000 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन दोनों में कोरोना को लेकर एक ही समस्या है। दोनों देशों के नेताओं ने वैज्ञानिकों की सलाह या तो मानी नहीं या फिर उस पर देरी से अमल किया, जिसकी वजह से दोनों देशों में हजारों लोगों की असामयिक मौत हो गई। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए Arrive24TV के साथ। नमस्कार।